लुक एट हर, वो मुझे धकेल रही है, उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, वो ये बोल रहे थे। मुझे तब भी नहीं पता था सर, मैंने बोला मैडम, उन्होंने पीछे से वैसे भी बहुत भीड़ थी सर, धक्का मुक्की हो रही थी, तो उन्होंने बोला वो मुझे धक्का दे रही है। मैंने बोला मैडम, मैं आपको धक्का नहीं दे रही थी, आपको धक्का लग गया होगा, मैंने आपको धक्का नहीं दिया है कि वो फिर एग्रेसिव होगी। और उन्होंने मेरे ऊपर 2-3 थप्पड़ लगाए उन्होंने मेरे ऊपर। फिर किसी और से मुझे पता लगा कि वो विधायक है, आशा कुमारी जी है। तो हमारे मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल मैम थे और एक कांस्टेबल थे, तो वो भी साथ में थे। डीएसपी सर आए, वो सारा तब तक हो चुका था, तब उनको अंदर ले गए। बस यही सारा हुआ था सर वहाँ पे। और एग्रेसिव वो बहुत ज़्यादा थी, हमने तो फिर भी सही से बात करी एमएलए थी। का आरोप है कि आपने उनको गालियां दी, स्टूपिड कहा, नॉनसेंस कहा, और उसके बाद आप जब उन्होंने थप्पड़ मारा उसके बाद रिप्लाई में आपने भी थप्पड़ मारा, ये उनका आरोप है, क्या कहेंगे? सर एक्चुअली उनका आरोप क्या है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये हाँ सर, आप जब डिनाई इतनी करती हैं जो उनका जी आरोप है? जी ऑफ कोर्स सर, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे हम भीड़ कंट्रोल करने के लिए थे सर, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। और इतना सर, इतनी भीड़ में हमको जब जो ड्यूटी दी है, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और ड्यूटी के दौरान किसको क्या पता होगा, किसको मैं किसी को गाली क्यों दूंगी, मैं अपना काम कर रही थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और हाँ, वो बोल रही है कि मैंने उनको थप्पड़ मारा, उन्होंने मेरे ऊपर 3, आप शायद वीडियो भी नहीं देखी होगी आपने, उसको देख लेना, उसने 3 टाइम मेरे ऊपर कंटिन्यू कंटिन्यू स्लैप करा। तो हाँ, अगर मेरा मुझे बचाने के लिए, अपने आप के बचाव के लिए हाथ अगर उस पर अपना प्रोटेक्शन के लिए हाथ उठ गया होगा, तो वो मैं नहीं जानती। वो अगर वो थप्पड़ बोल रहे तो वो मेरी प्रोटेक्शन थी।